हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे, क्या है आप? ये रियो है, ये आज अपने घर जा रहा है और हम लोग भी निकल चुके हैं नए नए ऑटो में। ए बेटा, रे जा, बहुत मस्ती हो गई। इसमें आवाज़ क्लियर नहीं आती क्या? ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ है ना बाहर की आती है ना। अपने घर जाएगा, मस्ती करेगा, डांट खाएगा वहाँ पे। पूरा गंदा कर लिया अपने आप को मट्टी में। सुबह अच्छा खासा नहाया धोया, साफ सुथरा था। हम लोग पूरा ये मरी माता का खा गए, ये मरी माता मंदिर। सरकार को क्या करना चाहिए कि एकदम रेलगाड़ी है ना जो, वो बंद कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत दिक्कत आती है जानवरों के साथ बहुत। उसके बदले इन लोगों को पता है लोडिंग के लिए कौन सा ये वो कर दे, बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा भी इंदौर का ऑटो है क्या? ए सी चलते हैं, ठीक है। पेट्रोल को भारी भीड़ के साथ बीड़ी लगे रहे। बीड़ी क्या बोले, बीड़ी रखी बीड़ी भाई, मतलब सेट के चलना है। पुलिस वालों से खड़े हो, कहाँ जा रही है, कहाँ घुसी है आराम से चलो, अपना कोई जल्दी थोड़ी नहीं है। क्या छोट अंकल, आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं। मज़ा आया कि नहीं होता ना वीडियो देख के ज़्यादा, मतलब कभी भी जो इंदौर के थे वो तो भाई कभी भी आकर वीडियो फोटो लेके टेक जरूर करना। बहुत समझ में आया कि कौन कौन मेरे वीडियो देख रहा है, जो भी देखे टेक करे इंदौर ब्लॉग। ये देखो
अनोखे ही है ना, मतलब ऑटो आ रहा है, मतलब क्या है कि ये लोग ऑटो वाले ना तो ये तो दबेंगे, वो तो मतलब छाती चीरे जा रहे यार, गलत चीज़ है भाई लोग, गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग तो देख रहे हो ना बिल्कुल, अब बहुत से लोग क्या बिल्कुल छाती पे चीर चढ़ाएंगे, इसलिए सच्चा अपन धीरे चला, ये चल रही है तो मस्त झकास। जब बेटा अपने भैया निकलो अपने पास से लेफ्ट। अरे बंगाली जाना था, इधर से भी जा सकते थे, वो उनके हिसाब से जा रहे हैं। ओ भाई नहीं, अपने वो बंगाली जाना था, बंगाली वर्ल्ड कप नहीं जाना, नहीं वर्ल्ड कप थोड़ी नहीं जाना था, आप कंफ्यूजन हो रहे हो रास्ते में थोड़ा, रहेगी नहीं था पहले कभी। अरे नहीं तो मतलब नहीं, मैं रास्ता बताऊं उसी हिसाब से ही हूँ, हमारे ऑटो वाले भैया थोड़ा रास्ता कंफ्यूज हो रहे हैं, वो सोच रहे वर्ल्ड कप चौराहे से, पर वो क्या उनको लंबा पड़ेगा, और यहाँ से मेरे को शॉर्टकट ही शॉर्टकट आते हैं, अपन शॉर्टकट वाले क्या ज़्यादा दिन नहीं लगाते हैं। अभी इनका रिक्शा पुराना है, हमने 10-10 रुपये में पिक्चर देखी थी, और जो कहते हैं ना एक कोई से भैया वो बात भी बताया तो उनने भी अपने उसमें क्या बोलते हैं उसको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसा टेबल पे बैठ के 10-10 रुपये में, मैंने तो वो देखी थी पिक्चर अक्षय कुमार की, कौन सी लाड़ी नंबर 786 वाला, वो पिक्चर मैंने ऐसे में देखी थी जब स्कूल टाइम था ना, स्कूल टाइम में पैसे नहीं हुआ करते थे ना, सिंगम वाला मतलब यहाँ पे पुलिस वाले भैया हैं, उनका नाम रंजीत करके है, वो यहाँ पर डांस करके ट्रैफिक संभालते हैं पूरा, और अभी तो है नहीं हाल फिलहाल, आप तो जो भी इंदौर में के हैं वो तो जानते होंगे, जो बाहर के वो इंदौर रंजीत इंदौरी करके सर्च करोगे ना तो दिख जाएंगे, एक सिंगम इंदौरी सिंगम भी बोलते हैं। यहाँ पे अधिकतर वो मिलते हो भैया डांस करते हो पुलिस वाले हैं, सिंगम बोलते हैं अधिकतर, जो भी आप देख रहे ना कोर्ट के सामने, अब ये फोन है एम्बुलेंस वाला है कि फोन है, अच्छा MP03 है भैया, इन्हें तो आके पूरा बहुत से नगर निगम भी इंदौर वाले फालतू साइलेन सर बजाते रहते, साइलेन जो भी बोलते हैं, सॉरी नाम नहीं आ पाए, साइरन, हाँ एक थोड़ा सा पेंटिंग एकदम ही मोड़ दो भाई साहब गाड़ी, ये अच्छा है सब चीज़ पता चल जाएगी वीडियो में भाई साहब, गलती किसकी है किसकी नहीं है, मतलब अपन वीडियो बनाते हुए जाते हैं, तो क्या डेकोरेशन भी कौन सा है ज्वेलर्स वाला, कौन सा उसने डेकोरेशन करा रखा, क्योंकि दीपावली आ रही ना अब तो मतलब मजा ही मजा है, ये टेई मॉल इधर जाता है उधर से, इधर से जाने का रास्ता है यहाँ का, बहुत सारे मॉल उनको अब सजाया जाएगा,
उसके आगे आप आएगा इंदौर का फेमस जगह छप्पन। मेरी नॉइस बहुत कम हो जाएगी, ये हवा पूरे पे चल रही है, पूरे ब्रेक पर पता देखना है। मेरे पैर देखो कैसे, मैं खुद ब्रेक लगा देता हूँ, यही होता है। होता है ना कि इंसान जो गाड़ी चला रहे जानता ना अच्छे से, तो उसको दूसरे से तो डर ही बैठेगा, टच होंगे एलपीजी तो ये बढ़िया मान नहीं रहे, उनको पता ऑटो निकल रहा है हम पहले निकलेंगे। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसी चक्कर में होता है, क्या होता है मैं पहले निकलूँगा उसके चक्कर में समझ रहे ना, फिर वो किसी इसी ले लेते थे करके गाड़ी से गाड़ी वाले, ये जो गुस्सा आ गया तो उसने हारन पे आता गया, या अंकल बिना टोपी के खड़े हैं, अंकल धूप में चमक रहे चमक। अब अपन आने वाले छप्पन, मतलब चटोरों की दुनिया, मतलब ऐसा बोलते हैं चटोरों की दुनिया, मैं मम्मी मारती बाहर तो जाता था। मतलब इंदौर वालों ने ये क्या है कि युवक हुआ कैसे भी ना बोले, इसके हर एक दीवार पे पेंटिंग बनाती है। ये छप्पा ओ भाई, युवा क्या बोल देते ना, जुआ कैसे भी समझ में ना, पहले वाले ब्लॉग देखेंगे तो समझ जाऊंगे मैं किसका बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे दुकानें ही बोलते हो, बोलो जुआ कैसे भी, मतलब कुछ ही दिन बैठूंगा ना फिर तो ये दिखाऊंगा, बोलो जुआ कैसे भी। यहाँ से सीधे चलना भैया अपने को, खजराने वाले रोड पर तो ट्रैफिक मिल जाएगा, इधर से सीधे निकल जाएंगे। ये अपन आ गए हैं पलासिया, अब हम पलासिया होके सीधे अंदर ही अंदर जाएंगे। ये अंकल गांव के देख रहे हैं ऑटो पीछे चले जा रहे हैं, मतलब बार बार आ जाता आ गया, अरे लग लो आ जाए जरा से में यार, कोई गलती ऑटो वाले की खेल हो भाई, तो कुछ भी चीज़ दिखे तो उसको एरर करना पड़ेगा यार, मेरा ध्यान नहीं दिया, मैं इधर सामने देख रहा हूँ मोबाइल में चले गया। अरे फिर है ए भैया फोन देखना मत है ना, जिसको दिखे नोटिस मत करना ज़्यादा, ठीक है वो गलती से हो गया, उसको कट करूँगा तो मेरी आवाज़ भी, मेरा पूरा वीडियो एडिट करना पड़ेगा मेरे को, अगर ना देख के वीडियो ना, रोड पर मेरी गलती भी नहीं रहती ना। अब क्या कर रहे भैया, मैं देखो ऐसा कैमरा लेके बैठा, आप उसके सामने कोई आया तो मेरी गलती नहीं, ठीक है मैं गलत तो कर नहीं रहा। हालांकि मेरी आज फटारी आटो में बैठा हूँ ना, उस दिन भी फट रही थी भाई, तो मत पूछो ये भैया, तो ये पेंटिंग देखो आया बोलता रहे तो भी जुआ कैसी भी बोल चुके पेंटिंग पे भी, मतलब इतने पैदल घूमूंगा इस चीज़ को लिखते लिए, मतलब लोगों को इतनी सुंदरता की जो पेंटिंग है ना, इसमें भी जुआ कैसी भी बोलती है, मतलब ऐसा हो गया है ना, मैं घर में भी करता हूँ मैं, यहाँ सोचता हूँ वही पिचकारी हो, बोलो जुआ कैसी भी, ये चीज़ गलत है, जुआ कैसी भी नहीं बोलना चाहिए। जो इतना ट्रैफिक भाई, मान के लो तीन बार पॉइंट खोलना पड़ता था, तीन बार पॉइंट खुलता था तब जाके बंगाली चौराहा पार होता था, और अब तो एक ही बार में आता है, सिर्फ एक ब्रिज बनने से इतना फ़ायदा, सोचो पहले बन जाता था हम कितनी, एक ही बार में हमारा कितना पेट्रोल बच जाता, अरे बाबा थोड़ा तो ठीक है, जब जाओ तब से मेरा और मेजिक के टायर कितने छोटे मेजिक खाओ ना भैया, तुम बहुत जल्दी किसी भी कमानी तो बहुत बड़ी बड़ी कर ली, मगर यही दिक्कत है कि यहाँ पर भैया बहुत तेज भगा रहे हैं, हमारे को डर लग रहा है अंदर ही अंदर, वो पैर ऐसे कब कब आ रहे हैं मेरे को बहुत, आप लोग ने देखो ना ब्लॉक में, लेकिन मैं गाड़ी भी धीरे चलाता हूँ, वो नहीं तेज वाला पायलटिंग वाला काम ही नहीं अपना,
यही दिक्कत आती है यार। बस अपनी गाड़ी का देखो कल परसों हो जाएगा काम पूरा, तो वो आ जाए ठीक था अपन उस पर फिर देखेंगे यार जो भी होगा आगे। अभी पता वापिस आने में तो वापिस से टोयोटा आना है, देखना है उसका पार्ट है कि है वो भी दिखा दूंगा। हमने हनुमान जी का मंदिर लिखेगा बोलते हैं यहाँ पे, अगर कोई भी जाता है ना जैसे हनुमान चालीसा पूरी पढ़नी पड़ती है, मैंने हनुमान चालीसा पढ़े बाद भी नहीं आ सकते तो बताते हैं। मैं गया नहीं हूँ लेकिन आपको बता दूँगा सही एक ही कर सकते हैं, मैंने सुना है गैस के घर। हम जा रहे हैं अपने घर पे सीढ़ा।